तो गाइस आज इस वीडियो में हम जिस वेबसाइट का रिव्यू करेंगे उसका नाम है neobox.com। तो जस्ट आप गूगल में सर्च कर लेंगे neobox.com या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे भी क्लिक करके इस साइट पे आ सकते हैं। तो यहां पे आपको पूरा मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे यहां पे काम करना है, कैसे यहां पे विड्रॉ लेना है, कैसे रजिस्टर करना है, और इसके रिव्यू भी दिखाऊंगा कि लोगों ने इसके बारे में क्या ओपिनियन दिया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप बहुत से पार्ट मिस कर देंगे। तो आपको पार्ट मिस नहीं करना है, आपको पूरा देखना है, तभी यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे अर्निंग के जो वेब हैं वो भी समझ लीजिए आप। यहाँ पे अर्निंग के तीन वेब्स हैं। फर्स्ट जो है वो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का, सेकंड वेब्स जो है यहाँ पे है आपको मिलेगा सर्वे का, थर्ड वेब जो है यहाँ पे आपको गेम्स प्ले करके आप अर्निंग कर सकते हैं, और फोर्थ वेब ये है वहाँ पे आप यहाँ से ऑफर को पूरा करके, जैसे बहुत सारे ऑफर वाल के टास्क होते हैं उनको भी पूरा करके अर्निंग कर सकते हैं। ये चार तरीके हैं, यहाँ से तीन मेन है और एक ऑफर वाल का, चार तरीका है यहाँ पे अर्निंग करने का। और एक है तो उस तो आप पेड वर्जन रहेगा तभी आप अर्निंग कर सकते हैं, तो मैं केवल फ्री वर्जन के लिए बताता हूँ। ये चार तरीके हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको चलिए मैं पहले इसका रिव्यू दिखा देता हूँ कि लोगों ने इसके बारे में अपना ओपिनियन क्या दिया है। तो दोस्तों ये मैं आ गया ट्रस्टेड पायलट वेबसाइट पे, यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिव्यू 3044 लोगों ने इसका ओपिनियन दिया है, जो कि 4.7 की आउट ऑफ 5 की रेटिंग है, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी रेटिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं 93% लोगों ने इसे 5 स्टार की रेटिंग एक्सीलेंट का दिया है। उसके बाद 5% लोगों ने इसको ग्रेट दिया है, 1% एवरेज, 1% पुअर और 1% सिर्फ 1% लोगों ने बैड इसको रेटिंग दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आएंगे आप स्क्रॉल करते हुए तो पूरा यहाँ पे स्ट्रेटजी देख सकते हैं इसका, कि सिंपल टास्क एंड द लीड एवं पेमेंट्स, यहाँ पे क्रिप्टो पे इन द स्मूथली एक्सपायर्ड, यहाँ पे क्रिप्टो में भी आपको विड्रॉल मिलेगा, आप यहाँ पे डॉलर में भी विड्रॉल ले सकते हैं। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, आप वीडियो को बने रहिए। आप अभी मैं चलता हूँ साइट पे, पहले रजिस्टर का प्रोसेस बता देता हूँ। तो ये आ गया मैं अपने साइट पे नियो बॉक्स के, और यहाँ पे ये रजिस्टर वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ऊपर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे अपना एक यूज़र नेम डालेंगे। यूज़र नेम दोस्तों कम से कम 6 या 7 नंबर का होना चाहिए, 5 से कम नहीं 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ऊपर ही हो या 6 रहे तभी ठीक है। यहाँ पर उसमें नंबर भी होना चाहिए, मैथ का यहाँ पे नंबर भी होना चाहिए और इंग्लिश का लेटर भी होना चाहिए, दो चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम बनाऊँगा तो यूज़र नेम पे मैं अपना यहाँ पे RM मतलब कुछ और लगा दूंगा, 3 यहाँ पे हो गया और 3123 यहाँ पे कर दिया, ये कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना है, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, सिंबल सभी होना चाहिए। वही पासवर्ड आप यहाँ पे अगेन कर देंगे, यहाँ पे डाल के कन्फर्म कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे रेफर आप देख सकते हैं, तो रेफर में आप या तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका रेफर का कोड दे दूंगा, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है आपको पूछ रहा है, तो आपको केवल ईयर डालना है। जैसे किसी का आपको 2000 डेट ऑफ बर्थ है तो 2000 केवल डाल देगा, ऐसा ही डालना है, केवल सन डालना है और पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ पे इसको डाल देंगे, ये वेरिफिकेशन जो भी कोड है। उसके बाद इन दोनों खानों को टिक कर देंगे, टिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटिन्यू का, इस पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके जीमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, हो सकता है जीमेल आईडी पर जो लिंक जाए वो दोस्तों 5 मिनट यहाँ पे कोड जाएगा 10 मिनट या 5 मिनट लगा दे, लेकिन आपको जाएगा थोड़ा सा, कभी कभी वेट हो जाता है, लेट हो जाता है, तो आपको क्या करना है 5 मिनट आपको यहाँ पे करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद आपके जो जीमेल आईडी पे वहाँ पे कोड जाएगा, कोड को आपको यहाँ पे जब इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पे आपको एक कैप्चा दिया रहेगा इस तरह का और एक कोड फिलिंग का ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आप कोड कॉपी करके वहाँ से जीमेल से पेस्ट करना है। तो कोड किस तरह होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार का कुछ कोड होगा, आप इस कोड को वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे ले जाकर केवल पेस्ट करना और कुछ ऐप को नहीं करना। उसके बाद वहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद सक्सेस फुली आपको दिखाएगा। उसके बाद इस प्रकार का कुछ कंग्रेचुलेशन का ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे, फिर ये लास्ट वाले नीचे ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है लॉगिन वाले पे, उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों आपको लॉगिन करना है, या तो आप यहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं, ऊपर रजिस्टर के बगल पे लॉगिन का ऑप्शन दिया होगा,
यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया, जो भी मेरा यूजर नेम था मैंने पहले से लॉग यहाँ पे साइन अप किया हूँ, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। सेकेंडरी पासवर्ड आप वैसे ही रहेंगे, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये सेंड वाले ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जो है वो लॉग इन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है वो लॉग इन हो चुका है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ कि अर्निंग कैसे करना है। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं इधर आपका मेन बैलेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं मेन बैलेंस, फिर रिटेंशन बैलेंस। तो ये रेफरल बाय करते हैं तो उसके लिए है, तो आपको बाय यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको मेंबरशिप कुछ नहीं लेना, केवल फ्री में यहाँ पे अर्निंग करना है। और यहाँ पे आपके पॉइंट्स दिखते हैं, पॉइंट्स से भी यहाँ पे अर्निंग होती है। जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, इस पर जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, छः एड्स दिखा रहे हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एड्स दिखाई दे रहे हैं। 0.1 एड देखने के मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 0.001 प्लस 1 पैक। 1 पैक मतलब दोस्तों पॉइंट्स होता है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 0.001 प्लस 1 पैक, तो ये आपको मिलेगा। तो आपको जस्ट ऐड पे क्लिक करना है, और ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा। तो जैसे मैं इस ऐड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो दोस्तों ऐसे ही ऐड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वॉच करना है, और ऐड वॉच करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी बैलेंस लिखा है वो मिल जाएगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट का प्रोसेस बता देता हूँ। नेक्स्ट करने के लिए कभी कभी हो सकता है दोस्तों आपको ऐड पे ना क्लिक हो, इस प्रकार का ऑप्शन आया, तो इसके एक बार रेफ्रेश कर लेंगे। इसके टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे क्या क्या करना है। देखिए यहाँ पे लिखा एडवर्टाइजमेंट डॉट व्यूड इन द मोबाइल फोन्स एंड टेबलेट डूइंग द माई लीड इन द पेमेंट सस्पेंस आप योर अकाउंट एडवर्टाइजमेंट बस्ट ओनली क्लिक यूजिंग माउस एंड कंप्यूटर एंड नॉट ए अदर मेथड। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है कंप्यूटर, तो कोई कोई ऐड कंप्यूटर के लिए होता है, सभी एड्स नहीं होते, तो कंप्यूटर वाला एड्स सेम इस प्रकार का हो जाएगा, और जो फोन वाला एड्स है वो आपका तुरंत दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्वे का ऑप्शन है, मेन जो तीन टॉपिक्स थे मेरे गेम्स एडवर्टाइजमेंट और सर्वे, तो सर्वे का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इतने सारे सर्वे हैं जिनको आप पूरा करके अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं $0.31, $0.21, $0.52, तो इन सभी को आप करके अर्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये सर्वे बहुत ही आसान होते हैं, इन सभी को पूरा करेंगे और ऊपर आएंगे तो 10 मिनट का सर्वे केवल है। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 10 मिनट्स का सर्वे है, और आपको अर्निंग कितनी हो रही है यहाँ पे देख सकते हैं $0.25। उसके बाद ओनली 15 मिनट का सर्वे है, आपको $1.28 की अर्निंग हो रही है। 13 मिनट का सर्वे है, यहाँ पे देख सकते हैं 13 मिनट का सर्वे ये है, ये 17 मिनट का है, ये 13 मिनट का आपको इतना डॉलर मिलेगा। इसको लोगों ने इस सर्वे को किया भी है, और इस पर आपको 5 स्टार की रेटिंग भी दिया है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये पूरा सर्वे करना है, और सर्वे करके अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी सर्वे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये हो गया पूरा कि आपको सर्वे करना है। जस्ट यहाँ पे मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे गेम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सॉरी ये नीचे खुल चुका है तो इसको मैं पहले कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे गेम्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे गेम्स वाला सेशन खुल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रूल्स एंड लिमिट लिखे हैं, तो आपको मैं ये रूल्स और लिमिट थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मेन टॉपिक है, आपको इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है द मिनिमम प्ले टाइम इन नीड 2 मिनट्स, यहाँ पे देख सकते हैं जब मिनिमम प्ले टाइम इन नीड 2 मिनट्स। यहाँ पे और थोड़ा जूम कर देता हूँ तो 2 मिनट से आपको एक गेम को प्ले करना है, मतलब 2 मिनट से कम नहीं करना है, 2 मिनट से ज़्यादा करना है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे लिखा है यू कैन प्ले लेस बट यू वॉन्ट बी क्रेडिट, यानी कि आप कम 2 मिनट से कम गेम को खेलेंगे तो आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। यहाँ पे अप टू 100 गेम्स, यहाँ पे लिखा है अप टू 100 गेम्स सेशन इज 24 आवर्स, यानी कि 100 गेम है यहाँ पे, 24 आवर्स में 100 गेम आपको एक्सचेंज होते रहते हैं, 100 गेम आप पर डे 24 घंटे में खेल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेट टू क्रेडिट यू शुड कंप्लीट द गेम, यहाँ पे देख सकते हैं एक लिमिट स्कोर होता है, उस पर आप विनिंग जब तक, जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे कोई गेम खेलते हैं 500 लोग उस गेम को खेल रहे हैं, उसमें अगर जो आपको हाईएस्ट यहाँ पे स्कोर है तो आपको और भी रिवार्ड यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है सबमिट स्कोर एंड गिव मी योर रिवार्ड। उसके बाद यहाँ पे चौथा जो सेशन है वो है द प्ले नाउ बटन जनरेट लिंक एंड अलाउ द प्ले एंड अर्न टू 120 मिनट, यहाँ पे 120 मिनट आप सभी गेम खेलेंगे तो भी आप 120 मिनट तक गेम्स खेल सकते हैं, और यहाँ पे 120 मिनट तक गेम खेलेंगे तो आपको
और भी ज़्यादा अर्निंग होगी। ये यहाँ पे पूरा डायरेक्ट लिखा है, आपको कुछ ना कुछ और रिवार्ड्स मिलते रहेंगे। हाई स्कोर पे भी आपको ज़्यादा रिवार्ड्स मिलेंगे, लो स्कोर पे आपको केवल गेम खेलेंगे तो आपको इतना मिलेगा, यहाँ पे लिखा डायरेक्ट। उसके बाद रिवार्ड इंस्टेंटली क्रेडिट योर मेन बैलेंस, यानी कि जो इसका मेन बैलेंस का टॉपिक है जहाँ पे मैंने दिखाया था मेन बैलेंस इसका, वहाँ पे जाके आपको इंस्टेंटली आपका बैलेंस जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये सभी रूल्स थे, आपको ये रूल समझा दिया हूँ। अब यहाँ पे प्ले करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, प्ले नाउ पे। जैसे ही प्ले नाउ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे गेम प्ले, अभी मैं दिखा देता हूँ गेम भी कितने आसान आसान यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा गेम है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये केवल देख सकते हैं यहाँ पे कितने गेम्स है। अभी सी मोर पे क्लिक करेंगे तो और सारे गेम्स आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पजल, सुडोकू, यहाँ पे किसी तरह प्रकार के गेम्स हैं। अगर जो कोई आपको किसी भी चीज़ में और भी जानकारी चाहिए गेम्स के बारे में, किसी गेम्स को समझ नहीं आता तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं एक गेम्स को यहाँ पे ऑन करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस गेम पे क्लिक करूँगा, इस गेम के कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है ये पूरा ये बताएगा, आपको कुछ नहीं करना है। गेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। यहाँ पे अब पूरा का मतलब है इतना छोटा है, आपको चार लाइन का है, इसको तो आप पढ़ ही सकते हैं, तो आप इसको पूरा पढ़ लेंगे चार पांच लाइन का। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट एक्स पे क्लिक करके इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्ले नाउ पे क्लिक करके इस गेम को प्ले करना, केवल दो मिनट आपको प्ले करना, ऐसा भी नहीं आपको गेम खेलना आना चाहिए या क्या करना आना चाहिए। तो आप एक दो बार तो हो सकता है प्ले करें तो आपको कुछ ना समझ में आए, बट आपको बाद में जब थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये पूरा स्ट्रेटजी था, आप इसको आके इसको दो मिनट खेलेंगे। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, बैक करने के बाद मेरा इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से फिर एक बार मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है क्वाइंस का। अब क्वाइंस आपको आने के लिए क्वाइंस यहाँ पे पॉइंट का ऑप्शन होता है, क्वाइंस आने करने के लिए इसमें क्वाइंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्वाइंस को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी क्वाइंस आपको अर्न हो गए। इस सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको, इसमें साइन अप करना है तो आपको इतना क्वाइंस मिलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक यहाँ पे क्वाइंस मिल रहा है। ऑफर टोरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफर टोरो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। आप इन सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको इतना इतना क्वाइंस मिलेगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे टास्क है, जैसे यहाँ पे ऐड सेकंड मीडिया पे क्लिक करूँगा तो आपको कुछ और दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्री का है, वीडियोस वॉच के का है, सर्वे का है, फ्री ट्रायल का है, साइनअप का, मोबाइल एप्लीकेशन का है। किसी वेबसाइट पे साइनअप करेंगे, साइनअप वाले पे क्लिक करके तो आपको भी आपको अर्निंग होगी। जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप है, ये साइनअप करना है, फिर जाके केवल आपको इतना अर्निंग हो जाएगी। तो ये पहले आपको मैंने पूरा स्ट्रेटजी समझा दिया हूँ। अगर जो आप और कुछ जानना चाहते हैं, जैसे FAQ पे जाएंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे कि क्या आपको क्या है क्या नहीं है, तो ये आप यहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, आपका मेन बैलेंस यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है या फिर आप मेन बैलेंस वहाँ पे भी दिखाई देगा डैशबोर्ड पे आपको। तो चलिए मैं पहले डैशबोर्ड पे चलता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी कोई टास्क नहीं किया तो यहाँ पे मेरा बैलेंस 0-0 दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आपको दिखाई देगा। अब मैं विड्रॉल का भी दिखा देता हूँ आपको, विड्रॉल किस में लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे मेरा वो खुल गया, यहाँ पे अकाउंट पर्सनल डाटा खुल गया। तो पर्सनल डाटा भी आप आके यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जो व्यू पेमेंट, यहाँ पे योर पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जब मेरे पास $2 कम से कम हो जाएगा तो मैं यहाँ से विड्रॉल ले सकता हूँ। और अकाउंट किसमें विड्रॉल आप ले सकते हैं उसके लिए आपको इस पर्सनल वाले ऑप्शन पे जाना है। पर्सनल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस किस में विड्रॉल ले सकते हैं। नेटरेलर में ले सकते हैं आप विड्रॉल, यहाँ से स्क्रीन में ले सकते हैं, ATM में ले सकते हैं, और सेटअप आप कर सकते हैं बैंक ट्रांसफर, पेपाल भी आप यहां से ले सकते हैं, या फिर बिटकॉइन, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, अदर और भी बहुत सारे कंट्री है जहां से आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो आप पेपाल में या बैंक में लेना चाहते हैं तो सेटअप कर लेंगे। और यहाँ पर बैंक ट्रांसफर है तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर $20, $50 या $30 का है। पेपाल में $5 मिनिमम विड्रॉल है। अगर जो आप यहाँ पे स्क्रीन के द्वारा लेना चाहते हैं तो केवल $2 होते ही आप यहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। तो आपको पूरा स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर